छात्रों का आईएमसी प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। जेएनयू स्थित आईआईएमसी के छात्रों ने किया ऑनलाइन क्लास को लेकर विरोध प्रदर्शन। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेएनयू रोड स्थित आईआईएमसी की, जहां पर आपको बता दें कि आईआईएमसी कैंपस के अंदर छात्रों ने एडमिन प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं उसका विरोध किया गया है, क्योंकि छात्रों ने ये आरोप लगाया है कि छात्रों को पूरी तरीके से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं और इस वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही जो चीज़ प्रैक्टिकली सीखनी चाहिए थी वो प्रैक्टिकली भी वो लोग नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से उनको वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो कि इस समय उनके साथ प्रैक्टिकली होनी चाहिए। उसी के विरोध में आज उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेएनयू स्थित आईआईएमसी की, जहां पर आप देख सकते हैं कैंपस के अंदर किस तरीके से छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग जैसे हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था, अभी एक सेमेस्टर खत्म हुआ है 20 मार्च को, तो हम लोग को पहले प्रोस्पेक्टस में बोला गया था कि ऑनलाइन कराएंगे, लेकिन हम जो ऑनलाइन क्लासेस की अपनी सीमाएं होती है, मैं उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। हमारे कई दोस्तों के पास ना लैपटॉप है, ना मेरे पास ही ना लैपटॉप है और ना उस तरह के किसी संसाधन है, जिससे हम अलग अलग सॉफ्टवेयर को नहीं सीख पा रहे हैं। जैसे इन डिज़ाइन सिखाया जाता है हमें, अलग अलग प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे। तो हम लोग की मांग थी कि सेकेंड सेमेस्टर से हमें ऑफलाइन में प्रैक्टिकल क्लासेस दी जाएँ, कुछ क्लासेस बुलाए जाएँ, अलग अलग फेज वाइज में भी बुलाया जाए। इसको लेके हम लोगों ने डीजी से बात भी किया था, अलग अपना मांग पत्र भी सौंपा उनको, अलग अलग समय में क्लास में अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से, अलग अलग अपने फैकल्टी से बात किया कि हम लोगों को ऑफलाइन मोड में बुला के ये सब प्रैक्टिकल क्लासेस करवाया जाए और सारी चीज़ें बताई जाए जो हम नहीं सीख पा रहे हैं। प्रैक्टिकल में किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं? प्रैक्टिकल में जैसे यहाँ अभी कैमरा चलाना सिखाते हैं, या इन डिज़ाइन जो होता है पेपर बनता है उसको यहाँ बताते हैं। जो हमारे अगर किसी के पास लैपटॉप है तो वो, लेकिन सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप में नहीं सपोर्ट कर रहा है, पुराना है। हमारे में से बहुत लोगों के पास तो है ही नहीं जो हम सीख नहीं सकते, अब मोबाइल में तो वो नहीं चल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आरटीबी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका लगभग 90% तो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, वो नहीं हो पा रही, वो ऑनलाइन बताया जा रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। कंटिन्यू करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग कुछ क्लियर बता ही नहीं रहे हैं। एक तो इन लोगों, जब हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में बात की तो इन लोगों ने बोला नहीं, सेकेंड सेमेस्टर से हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग जगह और हम कैंपस में बुलाएंगे आप लोगों को। लेकिन जब सेकेंड सेमेस्टर शुरू हुआ तो उस टाइम इन लोगों ने ऑनलाइन शुरू कर दिया, तो अभी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास को बॉयकॉट करके रखा है। मई में टाइम भी दिया इन लोगों ने कि शुरू करेंगे नहीं करेंगे, वो जो टाइम दिया है वो उसमें भी ये लोग कुछ श्योर नहीं बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सिचुएशन अगर वैसा होता है तो हम बुलाएंगे, नहीं तो फिर ऑनलाइन चलाएंगे। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं उस तरीके से तो अगर हम आए तो महीने में एक क्लासेस मिलेगी, तो उससे तो कुछ हो नहीं पाएगा। प्लेसमेंट में भी दिक्कत होगी अगर जो इस तरह से स्थिति रही तो? बिल्कुल होगी। मतलब हम अगर इंडस्ट्री में आगे जाते हैं काम मांगने, अगर हमें यहाँ से प्लेसमेंट मिल भी जाता है तो हमें तो काम नहीं आती है ना, हम तो प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं किए, हमें इन डिज़ाइन चलाना नहीं आता, हमें कैमरा चलाना नहीं आता, तो वहाँ कोई भी मीडिया इंडस्ट्री हमें क्यों रखेगा, तो उसमें तो हमें दिक्कत आएंगी ही। अच्छा, आईएमसी की बात करें तो यहाँ पर कई तरह के इवेंट भी हो रहे हैं जहाँ पे काफ़ी लोग गैदर हो रहे हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हम जब आते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप मास्क पहनो, आप यहाँ मत बैठो, आप वहाँ मत जाओ। जैसे हमने बोल के लाइब्रेरी खुलवाई थी, लेकिन लाइब्रेरी कुछ एक हफ्ता चला, जब हम आना शुरू किए तो इन्होंने लाइब्रेरी से सारी चेयर्स हटा दी, बोले नहीं आप बैठ नहीं सकते, आप बुक लेके चले जाओ। अभी हमारा कैंटीन था, वहाँ चेयर्स लगी हुई थी,
वहाँ से सारे चेयर्स निकलवा लिए इन्होंने, एलुमनाई मीट करवा रहे हैं, यहाँ एलुमनाई का कनेक्शन हो रहा है, वो सारे हो रहे हैं। और हर दूसरे दिन ऑडिटोरियम में कोई एक पखवाड़ा मनाया जाता है, जहाँ सारे बाहर से लोग आते हैं और वो सारे शरीक होते हैं, वहाँ खाना पीना भी चलता है, प्रोग्राम चलता है, सारे कार्यक्रम चलते हैं, वहाँ कोविड का कोई डर नहीं होता। लेकिन हम जब छात्र मांग करते हैं कि हमें क्लास चाहिए, तो नहीं, कोविड है, पेंडेमिक है, आप नहीं समझ रहे हैं, आपको कैसे हम बुला लें। शिकायत को लेकर आप लोगों ने कहा था हम लोगों ने ट्विटर पे भी कहा था, हम लोगों ने बीच में शुरुआत में मेल भी किया था, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को किया था, प्रसारण सूचना मंत्रालय को भी किया था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने डीजी से भी बात की थी, हमने अपने फैकल्टी से, कोर्स डायरेक्टर से, और उनको डिमांड लेटर भी सौंपा था हम लोगों ने, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया, ना हम लोगों को कुछ मिला। अभी मैं दिखाऊं आप लोगों को, हाल में ही एक यहाँ प्रोग्राम हुआ जिसमें हमारे सारे फैकल्टी मेंबर खड़े हैं और वो एक दूसरे से इतना सट के खड़े हैं, ना मास्क है, ना किसी के चेहरे पे कुछ है, तो कोविड यहाँ नहीं होता। हम स्टूडेंट जब बोलते हैं कि नहीं सर, हमें कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते ही बुलाइए, हम मास्क के साथ सैनिटाइजर के साथ आएंगे, हम नहीं, हमें भी पता है कि ठीक है पेंडेमिक है, आप थर्मल गन रखिए, आप सैनिटाइजर का व्यवस्था कीजिए, हमें दूर दूर बैठाइए। हम तो यहाँ तक बोल चुके हैं सर, हमें क्लासरूम में नहीं बैठाइए, चलिए आप हमें ग्राउंड में बैठा के दूर दूर हमके छः फीट की दूरी पे क्लास दे दीजिए, हम वो भी तैयार हैं, लेकिन उसमें भी ये लोग तैयार नहीं है। और राजू जी, किस वजह से आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? प्रोटेस्ट ये जो प्रशासन का जो रवैया रहा है स्टूडेंट के प्रति, स्टूडेंट का डिमांड ये है कि प्रैक्टिकल की क्लासेस क्योंकि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, हम लोग ऑनलाइन क्लास को सीख नहीं पाते हैं, और संस्थान ने जैसा कि वादा किया था कि हम लोग प्रैक्टिकल के क्लासेस ऑफलाइन लेंगे, तो वो वादा को फुलफिल नहीं कर रहा। हमसे फ़ी तो वसूल लिया गया है, लेकिन जो संस्थान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर गए। हम संस्थान को यही याद दिलाने आए हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, आप कैंपस जिस तरह आप उपयोग कर रहे हैं उस तरह छात्रों को भी उपयोग करने दीजिए, ये को भी कम कराने के लिए। हाँ, तो हम लोग का डिमांड था कि क्योंकि पिछला सेमेस्टर हमने ऑनलाइन लिया, और क्योंकि हमारे से जो फ़ी लिया गया वो ऑफलाइन की फ़ी ली गई है, पूरा फ़ी ली गई है, तो हम लोग संस्थान से डिमांड कर रहे हैं कि संस्थान कम से कम न्यूनतम 50% इसको लेकर छूट दे, और इस फी को अगले सेमेस्टर के फ़ी में एडजस्ट कर दे, क्योंकि स्टूडेंट लोग ऑलरेडी जिसको हॉस्टल नहीं मिला वो अपना पैसा के बलबूते पे दोस्तों से कर्ज लेके, कुछ सूद पर पैसा लेके, और बगल वाले मुनीर का और आसपास रह रहे हैं, तो हॉस्टल का भी प्रॉब्लम है, हॉस्टल का बहुत प्रॉब्लम है। कई सारे हमारे दोस्त मिले जो कॉल किए, बोले कि हम नहीं आ सकते, हमारे पास आने तक का भाड़ा नहीं है, तो रहने की बात तो दूर तक ही छोड़ दी जाए। संस्थान अगर गरीबों के लिए सोचता है तो हमें लगता है कि संस्थान को जो स्टूडेंट है उनको कोविड के बाद से हमारा कोई हॉस्टल स्टार्ट नहीं हुआ है, और हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। यहाँ लाइब्रेरी जो खुला था वहाँ बैठ के पढ़ते थे, लाइब्रेरी तक बंद कर दिया गया है। जी, मेरा नाम साजिद है। साजिद जी, आपका जो कोर्स है जी, प्रैक्टिकल बेहद अहम होता है जी, 100% प्रैक्टिकल है। किस तरह से दिक्कत आ रही है? देखिए, जिस तरह से इन्होंने ऑनलाइन कैमरा सिखाया, ऑनलाइन कैमरा कभी नहीं सिखाया जा सकता जब तक हाथ में नहीं आए। हम लोग लगातार इस मैटर को कोर्स डायरेक्टर के थ्रू या डीजी के थ्रू या डीन स्टूडेंट वेलफेयर के थ्रू हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन ये लोग सुनवाई नहीं ले रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि देखिए, आश्वासन दे रहे हैं कि 15 दिन बाद हम नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, लेकिन 15 दिन बीत गया, फिर आ गया, अब अप्रैल हो गया, अप्रैल ख़त्म हो गया, अब बोल रहे हैं मई से हम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें कि आश्वासन इनका ठीक लगे। कभी भी इन्होंने अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं कराया किसी चीज़ को, और सबसे ज़्यादा नुकसान रेडियो एंड टेलीविज़न का हो रहा है। जहाँ रेडियो सिखाया जाना चाहिए वहाँ इन्होंने कोई प्रैक्टिकल रेडियो का नहीं कराया। जहाँ कैमरा हाथ में होना चाहिए, P2C करवाना चाहिए अच्छे से, एडिटिंग होना चाहिए, वो एडिटिंग भी नहीं हो पाई किसी अच्छे तरीके से, और कैमरा तो, और उसके बाद हमने जब कोरोना की बात की तो उन्होंने कहा कि खुद आप अपना शूट करिए और अपने चैनल पे डालिए, अपना चैनल बनाइए, पोर्टफोलियो बनाइए। मैंने कहा कि अगर फीस हम इतना दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा दे रहे हैं हम फीस, रेडियो एंड टेलीविज़न डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा फीस दे रहा है, तो इनको मौका मिलना चाहिए हर एक चीज़ को सीखने का। अगर ये नहीं सीख पा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल में क्या सोच के आप लोगों ने एडमिशन लिया था फ्यूचर? देखिए, IMC को मैं पत्रकारिता, मेरा बैचलर इन जर्नलिज्म पत्रकारिता में रहा है, तो मैं इनको इसको भगवान मान के आया था। एक बार विफल रहा, लेकिन इस बार सफल होकर के मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे, ये इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे आके कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगा, और मुझे और इस चारों इस जो दीवारी के अंदर मुझे ऐसा माहौल मिलेगा कि यहाँ से निकलने के बाद हमारा करियर शुरुआत हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमारा करियर अंधकार में है।
क्योंकि हमें कहीं दूर दूर तक मुझे कोई अपना करियर दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारा आगे क्या होगा। अगर आप प्लेसमेंट दिला भी देंगे ये लोग तो हमारे पास ऐसी कोई ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं।